नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन इंडिया न्यूज 28 लगातार शहर में सूख रहे कुएं और बावड़ी दिखा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में सूखे कुएं और बावड़ियों की खबरें दिखा रहा है, लेकिन बेखबर नगर पालिका उनकी सुध लेना तो दूर, जो पाइप लाइन बिछी हुई है उनको ठीक नहीं कर पा रही है। रायसेन नगर पालिका परिषद की मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन प्लास्टिक की होने की वजह से बार बार छूट रही है, जिससे लाखों गैलन पानी फिजूल बह रहा है और पानी की बर्बादी हो रही है। गर्मियों जहां एक तरफ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे में घटिया प्लास्टिक की पाइपलाइन पर लोगों ने सवाल खड़े किए। अभी 4 दिन पहले रायसेन बाईपास के सभी पाइपलाइन फूटने से व्यर्थ पानी बहता रहा। सूचना मिलने पर नगरपालिका तकनीकी अमला मौके पर पहुंचा और लीकेज पाइपलाइन को ठीक किया। गुरुवार की शाम 3:45 पर सांची रोड गोटी ढाबा के सामने नल जल योजना की पाइपलाइन फूट पड़ी, जिससे घंटों पानी व्यर्थ बहता रहा और पानी की बेवजह बर्बादी होती रही। पाइपलाइन लीकेज होना और पाइपलाइन का फूटना आम बात और समस्या बन चुकी है। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, वही लाखों गैलन पानी की बेवजह बर्बादी की कहानी भी किसी से छुपी नहीं है। रहवासी शेखर यादव, गोपाल नामदेव, सुमेश सोनू यादव का कहना है कि भीषण गर्मी के मौसम में जल संकट से आम जनता बेहद परेशान है। बार बार पाइप लाइनों के फूटने से पानी की फिजूल बर्बादी ठीक बात नहीं है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।